15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या पुलिस की हिरासत में रात को लगभग 10 बजे के करीब हुई थी। उसके बाद से अब तक कई सारी इस तरह की वारदातों की खबर आ चुकी है, जब बड़े हत्याकांड हुए और वो पुलिस की हिरासत में या जेल के अंदर भी हुए हैं। इसी तरह की एक खबर आज बहुत बड़ी खबर रही है, राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में एक गैंगस्टर को उस वक्त गोली मारकर के हत्या कर दी गई जब उसको कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस की हिरासत में लेकर के जा रहा था। पुलिस की वाहन में वो मौजूद था और वहाँ बदमाश आते हैं और आने के बाद वो पुलिस का जो गार्ड थी गार्ड के ऊपर मिर्चा डाल देते हैं उनकी आंखों में, और मिर्चा डालने के बाद जो टारगेट था उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाते हैं और उसकी मौके पर ही हत्या हो जाती मौत हो जाती है। यह खबर राजस्थान से है। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की टीम गैंगस्टर कुलदीप को जयपुर से भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी, इस दौरान बदमाशों ने उस पर हमला किया। हमले में कई गोलियां लगने से गैंगस्टर कुलदीप की मौत हो गई। बताया जाता है कि बदमाशों ने पहले पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर गोली मारकर फरार हो गए। बताते हैं कि ये जो भाजपा नेता कृपाल सिंह नगीना हत्याकांड में गैंगस्टर कुलदीप सिंह नगीना या जगीना जो भी है को गिरफ्तार किया गया था, यानी इसने जिसकी आज हत्या हुई है वो बीजेपी का एक नेता की हत्या में आरोपी है। जानकारी जो मिली है, जानकारी के मुताबिक जयपुर पुलिस की टीम गैंगस्टर कुलदीप जगीना को सरकारी बस से भरतपुर ले जा रही थी। भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने जगीना पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने करीब 8 से 10 राउंड या इससे भी ज़्यादा हो सकता है गोलियां चलाईं, फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम ने गैंगस्टर जगीना के शव को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अब ये पुलिस का बयान है, पुलिस ने कहा है कि कुलदीप जगीना की हत्या को लेकर महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने भरतपुर SP मोदुल कछवाह से घटना की जानकारी दी है। उन्होंने SP को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी पकड़ने के निर्देश दिए हैं। SP ने बताया कि कुलदीप जगीना की हत्या करने वाले अपराधियों की पहचान की गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों जो BJP नेता कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के मामले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर पुलिस के सहयोग से भरतपुर पुलिस ने गोवा पहुंचने से कुछ घंटे पहले कुलदीप जगीना समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यानी ये व्यक्ति जिसकी आज हत्या हुई है वो BJP नेता की हत्या करने के बाद फरार हो गया था और गोवा जाने की फिराक में था, उस वक्त इसकी गिरफ्तारी की गई थी। इस पुलिस गिरफ्त में गैंगस्टर कुलदीप जगीना और गौरू पुत्र कुंवर चीत 28 साल की उम्र, प्रभाव सिंह भोला पुत्र महावीर 22 साल इसकी उम्र, राहुल जाट पुत्र परमवीर सिंह इसके 28 साल उम्र, ये सब 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। जमीन का मामला था, वर्चस्व की लड़ाई है दोनों के बीच, जो BJP नेता की हत्या हुई थी और आज जो हत्या हुई है इन दोनों के बीच। भरतपुर शहर में काली वर्चस्व की लड़ाई क्यों है ये और समझ लें जरा। भरतपुर शहर के काली बगीचा शीशम रोड पर स्थित एक जमीन का विवाद चल रहा है। इस भूखंड को का सेटलमेंट कर जमीन से जुड़े सभी लोगों को निकालकर कुलदीप सिंह जगीना बेशकीमती जमीन को खरीद कर करोड़ों का सौदा कर पैसा कमाना चाहता था। कृपाल सिंह और उसके साथियों ने इस जमीन पर न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया था, जिसको लेकर दोनों में आपस में दुश्मनी हो गई। इस बात को लेकर कुलदीप और उसके साथियों ने कृपाल की गाड़ी को रोककर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। अब माना जा रहा है कि उस हत्याकांड का जो कुलदीप कृपाल सिंह की जो हत्या हुई थी उसके बदले में यह कुलदीप की हत्या आज हुई है। यहाँ पर ANI ने एक जानकारी दी है, इसको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और उस समय इस पर विरोधी गैंग के लोगों ने हमला किया। पुलिस ने नाकेबंदी कर 4 अपराधियों को पकड़ा है। हम रिपोर्ट लेंगे कि क्या इस घटना का
टाला जा सकता, क्या इस घटना को टाला जा सकता था या नहीं? अभी कुल कितने अपराधी हैं वो बताना मुश्किल है। भरतपुर में पुलिस की मौजूदगी में गैंगस्टर कुलदीप बेगिना की गोली मारकर हत्या करने के बाद ये जो बयान है वो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा का है, जो ANI ने पोस्ट किया है। वहीं पर राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल, ये BJP के बड़े नेता हैं, उनका एक ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर कुलदीप बेगिना की हत्या प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गहरे प्रश्न खड़े करती है। राजस्थान में जंगल राज इस कदर हावी है कि अपराधियों में अब पुलिस का भी भय नहीं रह गया है और उनकी नाकामियों के कारण प्रदेश रक्तरंजित हो रहा है। मुखिया जी को जवाब देना पड़ेगा। और उन्होंने साथ में एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वही भारत 24 है, वो लिखते हैं, राजस्थान के भरतपुर से इस वक्त बड़ी खबर, गैंगस्टर कुलदीप बेगिना की गोली मारकर हत्या, फायरिंग में एक और बदमाश को गोली लगी, यानी बेगिना की तो मौत हो गई और एक व्यक्ति को और गोली लगी है। पिछले कुछ वक्त से, करीब 2-3 महीनों से ऐसा देखने को मिल रहा है भारत के अंदर कि कई सारे हत्याकांड ऐसे हुए हैं जिसमें अपराधियों को पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के कस्टडी में गोली मार दी गई है। अपराधियों के बीच में कोई किसी तरह का खौफ पुलिस को लेकर के नहीं है। पुलिस प्रेशर की पॉलिटिक्स से, प्रेशर की टैक्टिक्स से अपराध खत्म करना चाहती है, जबकि ये इस तरह से खत्म नहीं हुआ करते हैं। इसके लिए पुलिस को मुमकिन है ट्रेनिंग के दौरान उनके बड़े अधिकारियों को समझाया जाता हो, बताया जाता हो, कोई कोर्स वगैरह कराया जाता हो कि हाउ टू टैकल क्रिमिनल्स, किस तरह से अपराधियों को टैकल करें और रिड्यूस करें क्राइम रेट को। तो इसको लेकर के काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। अपराधियों को अपराध के ज़रिए, पुलिस जिस तरह से काम करती है उसमें बहुत बहुत कंटेंट जो है वो क्राइम का रहता है पुलिस के काम में भी, तो उस तरीके से अपराध को काबू में नहीं किया सकता है। अपराध को काबू करने के लिए सोशल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं और ये पुलिस में बहुत बड़े पैमाने पर सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमारे जो मानव अधिकार आयोग हैं, मानव अधिकार की जो संस्थाएँ हैं या और जो लोग काम करते हैं, वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। जैसे जेलों के अंदर वहाँ भेजा जाता है अपराधी को सुधार के लिए, लेकिन जेलों की जो व्यवस्था है वहाँ किसी तरह का कोई मानव अधिकार का कोई कुछ होता ही नहीं। वहाँ पर वहाँ दुनिया का कोई अधिकार किसी को प्राप्त ही नहीं है। वहाँ पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, अलग तरीके का कानून होता है जेल के अंदर का। जेल की व्यवस्थाएँ सुधार हो उनमें और वहाँ पर उनके रिफॉर्म के लिए जो क्रिमिनल्स हैं उनको मॉरल एजुकेशन दी जाए। दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, तालीम और तरबियत। तालीम तो हम देते हैं, तरबियत नहीं करते। जब तरबियत नहीं होगी तो चीज़ें अच्छी नहीं बनेंगी। हम तरबियत नहीं देते लोगों को, अपने बच्चों को या स्कूलों में, कि सच बोलें हमेशा, बुरे कामों से बचें, गलत काम न करें, जुर्म न करें, गलत सोहबत में न बैठें। ये तरबियत का हिस्सा है। जब तरबियत अच्छी नहीं होती है, तालीम आप दिलाएं वो मटेरियलिस्टिक है। तालीम के ज़रिए लोग नौकरी पाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी नौकरी चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं, लेकिन वो अमीर होने की भाग दौड़ में तरबियत हासिल नहीं कर पाते हैं और तरबियत नहीं कर पाते हैं तो उनका कैरेक्टर मेकिंग नहीं होती है और जब कैरेक्टर मीटिंग नहीं होती है तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार भी जाते हैं। इसी तरह अपराधियों को जेल के अंदर या पुलिस की गिरफ्त में जो उसके साथ ट्रीटमेंट होता है वो अव्यवहारिक होता है, अमानवीय होता है। तो चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टी सिंह न्यूज़। अपने भाई छुट्टी में